हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। उन्नाव में आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सड़क पर उतरकर बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब पेट्रोल एक सैकड़ा से बस 2 रुपए ही पीछे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर खाद्य पदार्थों, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ उन्नाव में कांग्रेस अध्यक्ष आरती वाजपेयी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस नेता प्रदर्शन के लिए कार्यालय में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों के प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस नेताओं की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम के चलते प्रदर्शन करने वालों को कलेक्ट्रेट की ओर जाने नहीं दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर रुक कर विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में उन्नाव शहर अध्यक्ष अरुण कुशवाहा, विश्वास निगम महिला जिला अध्यक्ष मंजू भारती, सुरेश वाजपेयी शामिल हुए। धरना स्थल पर कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में की गई वृद्धि को अविलंब वापस लेने की मांग की है। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज़, यूपी।